तो चलिए दोस्तों, देखिए कितना अच्छा मंदिर का आर्किटेक्चर, देखिए कितना अच्छा वो बना हुआ है। और कीर्तन भी चल रहा है अभी मंदिर में, इधर भी है मंदिर। अगर घूमने का मन करे तो जरूर आइए गोरखपुर में गीता पाठ का मंदिर देखने। और इसका लोकेशन हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, वहाँ से अगर क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगा गीता वाटिका का। और मंदिर के पीछे साइड एक गौशाला, हम वही दिखाने जा रहे हैं आपको। देखिए कितना बढ़िया बगीचा गार्डनिंग भी हुआ है इसमें, जो कि आप लोग को ज़रूर देख रहे होंगे। और यहाँ एक कुआँ भी है छोटा सा, मंदिर के परिसर में निवास करने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको, यहाँ रील बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इस दूसरे साइड से निकल जाते हैं। और काफ़ी अच्छा मंदिर है, अगर गोरखपुर आएँ ज़रूर घूमें गीता वाटिका का मंदिर। काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि अंदर जाके वीडियो बनाएंगे, आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसपे हम लोग अंदर आके काफ़ी सारा वीडियो बनाए। आप लोग वीडियो अगर लास्ट तक देखिएगा ज़रूर आप लोग को सारा चीज़ मिलेगा दोस्तों। और वीडियो बनाए, थोड़ा रील बना रहे थे लोग तो हम लोग देखने लगे, कोई दिक्कत नहीं उससे। और देखिए सामने गौशाला है जिसमें काफ़ी सारी गायें हैं, और वीडियो ये भी काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइम तो निकाल ही सकते हैं दोस्तों हम लोग के लिए। श्री कृष्ण गौशाला देखिए, काफ़ी अच्छा व्यवस्था हुआ है यहाँ गायों को रखने के लिए। ये दोस्तों आखिरकार दोस्तों हम लोग गीता वाटिका मंदिर के अंदर आ ही चुके, प्रांगण में आ चुके दोस्तों। प्रांगण में अगर आते हैं मंदिर देखते हैं, मंदिर के अगर पीछे जाते हैं तो ये गौशाला है दोस्तों, वही दिखाने के लिए हम लोग लाए थे। ये हमारे चाचा साहब हैं और ये हमारे भाई है जिसको निरहू भैया भी बोलते हैं प्यार से। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए कितना साफ सफाई है यहाँ पर गाय को रखने के लिए। कूड़ादान है और वहाँ गौशाला का नाम है श्री कृष्ण गौशाला दोस्तों। बाकी साफ़ सफाई तो काफ़ी हमको अच्छा लगा, तो सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखाएं, वीडियो में ऐड करेंगे ज़रूर। आप लोग अगर पूरा ब्लॉग देखिएगा तो ये चीज़ आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। गार्डनिंग भी काफ़ी अच्छा है इस मंदिर का प्रांगण का, और काफ़ी फ्लावर भी लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको और सारा चीज़ें, बने रहिए ब्लॉग में दोस्तों। वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के पास। और इस मंदिर का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल देंगे, अगर कभी भी गोरखपुर आइए तो ज़रूर घूमिए दोस्तों। बाकी सारा चीज़ तो आप लोग देखेंगे ही, क्योंकि आए हैं तो सारा चीज़ ही दिखाएँगे, और जितना संभव होगा उतना दिखाएँगे। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा, ऐसा वीडियो आप मेरे चैनल पर आता रहेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों गौशाला दिखाने के बाद दोस्तों इधर आए तो देखे यहाँ देवर्षि नारद दर्शन स्थल है, वो भी सोचे कि दिखा देते हैं। यहाँ भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर बना हुआ है दोस्तों, जो कि आप लोग देख लीजिए। और इधर हम इधर एक और चीज़ देखे तो हम बोले कि आकर इधर भी दिखा दिया जाए, क्योंकि परिसर काफ़ी अच्छा है और इसमें काफ़ी यहाँ संत कुटीर है, जहाँ संतों का कुटिया रहता है उसी को संत का कुटीर कहा जाता है, जहाँ संतों की निवास होता है। बाकी दोस्तों सोचे कि उसके सामने एक और छोटा सा मंदिर था राधे कृष्ण का, जहाँ जागरण वगैरह भी हो रहा था अभी और सजावट भी हो रहा था काफ़ी पूजा के लिए। और देखिए यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई थी, इस पर भी थोड़ा हम लोग का निगाह गया तो हम लोग सोचे वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं इसको भी। और देखिए यहाँ राधा कृष्ण का एक काफ़ी सुंदर तस्वीर भी लगा हुआ है दोस्तों, और यहाँ सजावट हो रहा है जागरण के लिए, पूजा करने के लिए शाम को टाइम हर रोज़ यहाँ पूजा होता है दोस्तों। यहाँ काफ़ी लोग अपने भक्ति में झूम रहे हैं, राधे राधे के नाम पुकार रहे हैं। यहाँ हम लोग भी बैठ के काफ़ी देर तक ध्यान लगाए दोस्तों, उसके बाद यहाँ से उठ के बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद देखिए यहाँ देखने लगे हम लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे हम लोग इस परिसर से बाहर निकले, और बाहर निकलने से पहले हम लोग सोचे कि थोड़ा प्रवचन जो हो रहा था राधे कृष्ण गीता भागवत उसको भी थोड़ा सा सुन लिया जाए, तो हम लोग बैठ के काफ़ी देर तक सुने, उसके बाद से हम लोग बाहर निकले।
और यहाँ से बाहर निकल के आगे दिखाते हैं आपको, वीडियो में बने रहिए दोस्तों। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए इसको पार्ट पार्ट में डालना पड़ रहा है, तो देखिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाते हैं आपको और सारी चैनल। जैसे ही प्रवचन सुन के हम लोग बाहर निकले, तो देखिए दोस्तों ये शाम के टाइम फुहारा चलते रहता है, शाम के टाइम हर रोज चलता है। और फ्लावर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दोस्तों, और बाकी चीज़ें आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आगे चलते हैं, बाहर हम लोग निकल रहे थे तो देखिए ये परिसर में ही एक बुक स्टॉल है जहाँ से सारी पुस्तकें ले सकते हैं आप। तो चलिए दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हम लोग गीता वाटिका मंदिर के से बाहर निकल चुके हैं, सारा वीडियो तो बना लिए, आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा दोस्तों। और देखिए चलिए दोस्तों ऐसा वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इस मंदिर का लिंक, लोकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे दोस्तों, वहाँ से आप लोग इस मंदिर का लोकेशन सर्च कर सकते हैं। और जब भी गोरखपुर आइए दोस्तों तो गीता वाटिका मंदिर जरूर देखिए, काफ़ी अच्छा है। प्रांगण भी दिखाए हैं वीडियो में, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए दूसरों लोगों के पास। चलिए दोस्तों बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों।